नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल देसी गाय डीजी में। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप हरी मिर्च को पॉट में हो या गमले या कहीं भी अन्य ऐसी कोई खाली जगह जहां पे मिट्टी हो, वहां पे आप बड़े ही आसानी से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि मैंने बड़े ही आसानी तरीके से किस तरीके से अपने खाली पड़े एक छोटे से प्लॉट में मैंने हरे मिर्च को पौधे को कैसे ग्रो किया है और उसमें ढेर सारा मैंने मिर्च भी पाया है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ और वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि बिना किसी खाद बिना किसी फर्टिलाइज़र के मदद से मैंने घर पे ही कुछ आसान चीज़ों से मैंने ढेर सारा हरी मिर्च को प्राप्त किया। दोस्तों मैं इस वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आप कितने आसानी तरीके से आप भी अपने किसी ऐसे अन्य प्लॉट में या कहीं खाली पड़े ज़मीन में या गमले में कितने आसानी तरीके से आप भी हरी मिर्च उगा सकते हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि मैंने इस पौधे में कोई भी खाद या कोई भी कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें मैंने सिर्फ राख और गोबर की खाद का ही इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा जो पौधा है हरी मिर्च का वो कितनी हेल्दी और कितना हरा भरा है और कितना सही है। तो दोस्तों मैं वीडियो में और भी दिखाऊंगा कि मैंने इसमें हरी मिर्च का कितने सारे हरी मिर्च मैंने इस पौधे से प्राप्त किया। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आप भी बिना किसी मिलावटी या बिना किसी कीटनाशक के आप भी सब्जियां अपने घर पे उगाएं तो प्लीज़ इस मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए मेरे से कि आप कैसे ही बड़े आसानी तरीके से अपने घर पे ही कैसे सब्जियां उगा सकते हैं, चाहे खाली प्लॉट हो कोई या फिर गमले में। दोस्तों लगभग ये 1.5 महीने बाद की वीडियो है। आप देख सकते हैं कि पहले से जो मेरा पौधा हरी मिर्च का था वो अभी कितना हरा भरा हो चुका है और कितना अच्छा हो चुका है और इसमें ढेर सारे फूल भी आ गए हैं और कुछ कुछ हरी मिर्च भी दिख रही हैं। दोस्तों आप सभी से एक विनती है कि आप घर में 2 गमले 3 गमले फूलों के कम रखें, लेकिन कोशिश करें कि जो छोटे मोटे सब्जी के जो पौधे हैं जैसे हरी मिर्च हो गई या फिर धनिया हो गया या अन्य ऐसी कोई सब्जी हो गई तो उसको अपने गमले में लगाने की। क्योंकि दोस्तों बाज़ार में जो चीज़ें मिल रही है जो बाहर बिक रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें कितना प्रतिशत क्या मिला हुआ है, लेकिन जो आप घर पर उगाएंगे उसकी 100% गारंटी है कि आप उस पौधे में क्या डाले हैं और आपको क्या मिला है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा पौधा लगभग 4.5 मंथ का हो गया है और इसमें कितने सारे हरी मिर्च बिना किसी दवा बिना किसी खाद के मैंने तैयार किया है, सिर्फ गोबर की खाद और राख डाल के। तो दोस्तों ऐसे ही आप भी अपने घर पे कहीं भी पड़े छोटे से जगह में जहां मिट्टी हो वहां पे ऐसे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे वीडियो ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनके पास छोटी मोटी कहीं खाली प्लॉट है या खाली गमले हैं।